आज की हमारी रेसिपी है मकर संक्रांति स्पेशल तिल के बर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने 200 ग्राम तिल लिए हैं और 100 ग्राम हम चीनी लिए हैं उसके हाफ क्वांटिटी में। ये परफेक्ट रेशियो है। हम शुगर को इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। और चलिए, अब गैस पे हम पैन चढ़ा दिए हैं, पैन गर्म हो गया। इसमें हम तिल डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। अब फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, आइस को हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो तिल है अच्छे से दोनों तरफ से रोस्ट हो। तो देखिए, इस तरह से हम चलाते हुए तिल को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, हमारा तिल 2 से 3 मिनट रोस्ट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अगर गर्म है, इसका हम फाइन पाउडर बनाएंगे। थोड़ा सा क्वांटिटी में इसको हम रख लेंगे। अगर हमें बिल्कुल इसको नहीं आप पीसिएगा, क्योंकि ये ऑयल रिलीफ करेगा। तो देखिए, हम उसी पैन में हम 1 चम्मच घी ऐड कर दिए हैं। घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो देखिए, हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब हम इसको दरदरा पीस लिए थे, इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक इसको हम घी में भूनेंगे। तो देखिए, हमको 3 से 4 मिनट इसको भूनते हुए हो गया है। कुछ इस तरह से इसका कलर हल्का, इस तरह से देखिए हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसको भी हम डाल के 20 से 30 सेकेंड इसको भी हम भून लेंगे। देखिए, हम 20 से 30 सेकेंड तक मिल्क पाउडर डाल के हम भून लिए हैं। अब हम 1 कप इसमें दूध ऐड करेंगे। अगर आप दूध ऐड नहीं करते हैं, तब आप क्या करिएगा, मिल्क पाउडर का क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। अब मिल्क की जगह आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप दूध में बना लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम पकाते हुए, अब हम शुगर का जो चीनी का हम पाउडर बनाए थे उसको हम ऐड कर दिए हैं अभी। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर हम नहीं किए हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। अब इसको हम ऐसे चलाते हुए इसको हम एक डो के फॉर्म में लाएंगे। देखिए, इस तरह से हम चलाते हुए इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अब फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और हाई रखिएगा तो अंदर से ये जल जाएगा और अच्छे से ये पकेगा नहीं। तो देखिए, हम डो के फॉर्म में ले आए हैं इसको।
देखिए इस तरह से। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे कढ़ाई में। इसको आप हाथ में लेके चेक भी कर सकते हैं कि ये बर्फी इसका जम सकता है कि नहीं। थोड़ा सा क्वांटिटी लीजिए और गोल गोल आप लेके देखिएगा हाथ में, तो इसका शेप बनने लगेगा। अब देखिए इधर हम एक ट्रे लिए हैं, इसमें हम ग्रीस कर लिए थे ऑयल, इसमें हम सारा जो भी मिक्सचर है हम इसमें ऐड करेंगे। और ये बर्फी का हम शेप दे दिए हैं और थोड़ा सा हम काजू और बादाम और पिस्ता इस पे हम ऐड किए हैं। और जो ये तिल रखे थे हम, वो तिल को हम इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं और इस तरह से दबा देंगे ताकि ये निकले नहीं। तो देखिए इस तरह से ये निकल भी नहीं सकता है। इसको हम अभी कट करेंगे, आप चाहे तो इसको फ्रिज में 2 घंटा के लिए रख सकते हैं। हम कट करके फ्रिज में रख देंगे इसको। देखिए जो भी जितना बड़ा और छोटा रखना है उस अनुसार आप इसको कट कर सकते हैं। किनारे का पार्ट हम कट कर देंगे, देखिए इस तरह से। ये खाने में फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी देखिए इजली नहीं निकल रहा है अभी, तो इसको हम 10 मिनट बाद इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। आप चाहे तो 2 घंटा आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। देखिए हम 10 मिनट बाद दिखा रहे हैं कितने अच्छे से जम गया है। देखिए कितना परफेक्ट बर्फी बना है। इसको हम आपको कट करके भी दिखाएंगे, ये कितना अंदर से सॉफ्ट बना है। खाने में तो इसका टेस्ट एकदम गजब का है। देखिए आपको हम काट के दिखाएं तो आपको पता चल गया होगा ये कितना सॉफ्ट है। इसको हम तोड़ के दिखाते हैं, देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो देखिए हमारा तिल के बर्फी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है कितना इजीली से। अगर आप इसको चाहें तो रोल का भी शेप दे सकते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।